हेलो फ्रेंड, आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ओप्पो K10 के बारे में बात करेंगे। ओप्पो K10 का नेटवर्क प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। अगर आप भी ओप्पो A10 का सेट चलाते हैं और आपका इंटरनेट प्रॉब्लम एंड नेटवर्क प्रॉब्लम करता है तो उसको रियल टाइम कैसे फिक्स कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको सेटिंग में चलना है, तो चलिए आपको सेटिंग में लेकर चलते हैं। सेटिंग में आना है, उसके बाद यहाँ पर आपको सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा मिलेगा, वहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका सिम 1 या सिम 2 जिसमें भी रहेगा आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो सिम 2 में मेरा है तो सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको इंटरनेट सेटिंग का प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पर आपको APN को पूरी तरह से फुल रिसेट करना है। उसके लिए आपको क्लियर के ऑप्शन में दूसरा नंबर में सेलेक्ट करना है। उसके बाद जियो का आ जाएगा, देख सकते हैं जियो 4G, यहाँ पर हम लोग का जियो का सिम है। ऊपर में 2 डॉट दिख रहा है, 2 डॉट में आपको सेलेक्ट करना है। तो चलिए 2 डॉट में सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको पूरी तरह से APN को पूरी तरह से रिसेट कर देना। देख सकते हैं रिसेट का ऑप्शन आ चुका है। तो आपको APN, इसका नाम है APN सेटिंग है जो इंटरनेट यूज करते हैं, उसको पूरी तरह से आपको रिसेट कर देना है। उससे क्या होगा दोस्तों, अगर आपका इंटरनेट बहुत ही स्लो चलता है तो आपका इंटरनेट पूरी तरह से फास्ट हो जाएगा। ये तो दोस्तों आपका इंटरनेट प्रॉब्लम के बारे में हुआ। अगर आपका नेटवर्क कभी कभी छोड़ता है तो नेटवर्क प्रॉब्लम करता है, तो नेटवर्क प्रॉब्लम के लिए आपको नेटवर्क सेटिंग को भी रिसेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको बैकअप एंड डाटा रिसेट में क्लिक करने के बाद आपको सबसे ऊपर में देखने को मिल जाएगा रिसेट नेटवर्क सेटिंग, इसको पूरी तरह से आपको रिसेट कर देना है। तो चलिए देख सकते हैं यहाँ पर रिसेट का ऑप्शन आ चुका है, तो आपको रिसेट कर देना है। रिसेट में जैसे आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पर रिसेट का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको पूरी तरह से नेटवर्क सेटिंग को रिसेट कर देना है। इससे क्या होगा दोस्तों, अगर आपका भी नेटवर्क कभी कभी छोड़ देता है, वोल्टी छोड़ देता है, या भी कभी कभी वोल्टी किसी का आता ही नहीं है नेटवर्क के कारण, तो उसके लिए आपको पूरी तरह से रिसेट करने के बाद आपका जो नेटवर्क प्रॉब्लम रहेगा वो 100% सॉल्व हो जाएगा। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों तो लाइक ज़रूर करें। अगर कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है दोस्तों तो कॉमेंट में ज़रूर लिखें।